ऐसा ना रुक रुक आप करेगी देख भाई ये, भाई ये देख लिए मोर, भाई मोर कैसे देख के कैसा लगा भाई? ये कौन सी गाड़ी है भाई? ये देखो कपिंग भी हुई है पर सुबह सुबह ले ली लव बाइट है, लव बाइट ले ली सुबह सुबह। इसी लव बाइट है गाइस, इसने मेरे लव बाइट दिए भाई, गर्दन के लिए ला रखा हूँ। मोबिलिटी बढ़ी है अपनी, पर स्पाजम है, इधर बोला स्पाजम है पूरा। क्या क्या है स्पाजम? स्पाजम ये क्या होता भाई? मुझे लगा था वो भाई कर देना कि मुझे लगा स्पा करवा लो एक बार स्पाजम को स्पा कह रहा और निशान हो गए तो कपिंग वाले। अब नीडल नीडलिंग होगी भाई, नीडलिंग होती है भाई, डेंजर यार। ऐसा ऐसा फ्रंट कैमरा से पकड़े, नीडलिंग दिखाता हूँ लाइव बस भाई। सो जाएगा ठीक? हाँ। क्या साथ का अपने अच्छी थे नंबर लग रहा है दूर से। ओ, ओ। वही तो अंदर नस में गई है सीधी, मतलब जहाँ पे दर्द था। ये नीडल भाई रीयूजेबल है? नहीं नहीं ये एक बार यूज होती है। ओके ला भाई दिमाग में तो शादी है। ओ ट्विच आता, ट्विच लगे किसी उसमें जब वो जब ऐसा आता है तो इसका मतलब एक्यूरेट गई है। चमक दिखी होगी क्यों? क्योंकि आई एम विद माय फेवरेट पर्सन यू नो। चमक दी गई है, चमक दी गई है, करना पड़ता है कई चीजें। इसने आज मेरा मेरे ऊपर से नजर उतारी है अपनी, इसी की नजर लग रखी थी मेरे गंदी नजर तो वो उतारी है भाई। वाह स्कूल बस देख के अपने स्कूल टाइम की याद आ गई। तो स्कूल गया कि कभी ना मिले ऐसी जिंदगी है। स्कूल भी गया नाइस। साढ़े मैं एक बात बताता हूँ तेरे को। आज मैं ना सीजीएल का क्वेश्चन पेपर चेक कर रहा था। सीजीएल वीजीएल कहाँ लग गया? अरे भाई साहब शौक है मेरे को जॉब नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल मेरे को जॉब नहीं करनी, मेरे को अपनी कैपेबिलिटी चेक करनी है। मतलब दिमाग कि मेरे अंदर अभी भी दिमाग बचा है नहीं बचा नहीं होता है भाई तभी तो समझ रहे हो कि भाई मैं क्या पता कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्लियर कर सकता हूँ नहीं कर सकता। लाइफ एक ही बार मिलेगी, बार बार मौके नहीं देती जिंदगी। ये भी चीज सुन लो भाई, जिंदगी बार बार मौके नहीं देती। अगर तुम्हें दे रही है ना तो यू आर स्पेशल। फिर क्या होता है बैंक बैंक में लगने का? अरे लगूंगा कहीं नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। एक मैं पेपर दूंगा जब भी सीजीएल का पेपर होगा, अभी मैं चेक करूंगा सारी डेट्स, पहले पढ़ाई करूंगा इसकी मैं। तो ये एक टास्क हो गया। ये तो ठीक है, बताओ पढ़ाई कब करोगे आप? सुनो तो मैं बताता हूँ भाई, ये ना अपन एक चैलेंज कर रहे हैं अपने लिए ही, मतलब मेरे हिसाब से जो भी देखता हो क्या पता थोड़ा बहुत ही मोटिवेट हो जाए, थोड़ा बहुत ही सही। और मैं पेपर दूंगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम सीजीएल का, सरकारी नौकरी का एग्जाम होता है। मेरे मौसी के लड़के ने मुझे एक्चुअली बोला कि वो किसी पोस्ट पे लग रहा था, मुझे पता नहीं, उसने क्लियर करा था तो मैंने बोला मेरे को भी करना है। तो भाई अब जब भी पेपर होगा मैं इसकी पढ़ाई करूंगा, दो पेपर होते हैं इसके, ठीक है। तो आज मैं इसके क्वेश्चन पेपर देख रहा था, मुझे लगा, सही बता रहा हूँ मैं, कोई हवाबाजी नहीं, मुझे लगा मैं कर सकता हूँ, मतलब मुझे है इतना विश्वास कि यार ये मैं कर सकता हूँ शायद। तो इसकी पढ़ाई करेंगे और अगला सीजीएल का पेपर होगा उसमें अप्लाई करेंगे। तू करे करे अगला पेपर? अब देखूंगा ना अभी सारी इसकी डेट शीट वेट शीट जब भी होगा, पहला पेपर दूसरा पेपर मैं बता दूंगा कब होगा। तो भाई करते हैं तैयारी, देखते हैं कितनी करोगे तो बताओ। आज से तैयारी, मैं तो कल से स्टार्ट थी तैयारी, मतलब पढ़ाई मैंने स्टार्ट कर दी। पढ़ाई कब कर रहे हो? रात को टाइम मिले जब। अच्छा चलो ठीक है, तो तू भी कर। एक काम करते हैं हम ना चारों पेपर देंगे, लक्ष्य अर्चित मैं कटारिया, देखते हैं किसकी रैंक बढ़िया है। इनके साड़ों की रैंक आगे नौकरी भी लग जाएंगे यार ये तो सही धंधा सेट हो गया। अलविश भाई मजाक मजाक के चक्कर में चैलेंज किया आपने और देखो नौकरी लग गई, तो ये भी देखते हैं अभी, ठीक है जी। क्या बाकी भाई अभी जा रहे हैं प्ले ग्राउंड के लिए, मुझे एक जोड़ी कपड़े लेके आने हैं ऊपर से ना, ये पहन रखी थी मैंने पिछली बार, एक और अच्छा थोड़ा रंग बिरंगा चाहिए अपने को कलरफुल, तो उसके लिए हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। एक ही लेके आना, ज्यादा महंगा भी नहीं लेके। मैं फिजियोथेरेपी करा रहा था, वहाँ एक भैया आए, उन्होंने हमें स्केच दिया। भाई दिखाना स्केच कैसा कैसा लगा आपको पहले बताओ। बहुत सुंदर, हाथ से बनाया भाई ने, पेंसिल से, रियलिस्टिक है पूरा, अल्टीमेट भाई साहब। ऐसा स्केच नहीं देखा मैंने अपनी जिंदगी में, अपना और भी देखे हैं बट ऐसा नहीं देखा भाई, ये तो अलग रियल है भाई, रियल सा बना रखा। अभी अर्चित आ रहा है, अर्चित ने क्या साथ, अर्चित ने कितना सामान ले लिया भाई, अर्चित लेके आ रहा बहुत सारी शॉपिंग करके आ रहा। अर्चित अर्चित क्या है इसमें?
ले भाई अर्जित की जींस मुबारक हो भाई। मल्होत्रा भाई भाई ये तो छाती के बाल तो बड़े हो रहे हैं सही में भाई। मल्होत्रा भाई का लड़का भी आया अपने जूते दिखाने हवा बाज। मल्होत्रा भाई बेटा इधर आइयो, ये देखो हवा बाज बालक। वाओ यार स्कूल में पहन के जाता है। नहीं नहीं कितने कितने के हैं बेटा ये कितने? $5 $5 $5 पता नहीं भाई कौन से स्कूल में करवा रखा है इसको। स्कॉटिश भाई उसके बाद डॉलर का साइन है इसका मतलब सारी चीज डॉलर करेगा भाई। हमारे स्कूल में तो कोई और जूते पहने चले जाते हैं ना मारते थे। $500 के इसको क्या झूठ पकड़ रखा है भाई। डॉलर्स में चल रहा है ये। दिस हाउस इज इन वॉशिंगटन DC। हम इस टाइम US में हैं। अभी बाहर वो आ रखे US नेवी हमें पकड़ने के लिए। भाई ये तो ना छाती के बाल तो अभी थोड़े से ट्रिम करने पड़ेंगे अपने को अगर, या फिर इसमें टी शर्ट पहनूं मैं? टी शर्ट बड़े लगे कॉम्बिनेशन ब्लैक और ये इस पे। और जूते भी हैं इस पे। ये बेटा ये तो नहीं है, ये तो मुझे वो लग रहे हैं मल्होत्रा जी ट्रैविस स्कॉट। ये टिफिनी है, ये कम से कम 25-30,000 कम से कम $600 ओके मल्होत्रा भाई से सच बता दो। वाह यार और क्या क्या आप पे जल्दी दिखाओ भाई। ये भाई ये देख लिए मोर भाई। मोर कैसे देख के कैसा लगा भाई? कह रहा बहुत रेयर है, कह रहा असली है क्या? मुझे लगा कि स्टैचू आइडल है। मैं ऐसे देख रहा हूँ सही में। ए रे भाई और भी हम हमारी छत पे भी बैठे रहते हैं। मेरी दादी के तो दोस्त है कई मोर। दो दिन तो हमेशा ही रहा है। मम्मी आप अपना अपने दोस्त को बुला के दिखा दो मोर को। बुलाओ उसको। आओ पराग जी बैठे हैं आप हमारे घर में, आपका स्वागत है। ये भी ड्राई क्लीन होके आ गई अगर ये चाहिए हो तो। अमीरी वाली मैं तो मल्होत्रा भाई से कपड़े ले आया। बट वही ले लेते बस। ये तो है और भी दिखा दूंगा मैं आपको। बैठो आप। नहीं 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 देख देख कैसा बगैर देख क्या देख रही है। छोटा बच्चा पालना इज सो टफ यू नो वेरी टफ। ये कैसा लग रहा हूं मैं इसमें? फोन गिर जाएगा। अच्छा लग रहा है क्या बता रहे मामू? कैसे लग रहे हैं? अभी तो दूसरी टी शर्ट पहन के चलूंगा, ये तो मैं लेके जाऊंगा। सही है ये भी। मम्मा भाई चाय पियोगे? चाय चलेगी ना भाई? चाय मम्मी चाय बना दो। हाँ पानी भी दे दो, सब चीज दे दो। चलो भाई अपने काम धंधे में चलते हैं, अब निकलेंगे फिर अपने बैंगलोर को। मैं नहीं लगा रहा परफ्यूम, मेरे में अंदर वैसे खुशबू है। कोमल अपने बच्चे को क्या गंदी हरकत सिखाती है? देखो मार बेटा मार, पिटी करते फ्लाइंग से करते मार ले। ए उठ ऐसा नहीं करा ना, ऐसा ना तो रुक दे आप करेगी देख। ए वो डरती है तेरे से, दे दे मारेगी। देख ले कितने अच्छे संस्कार है, नहीं मारा ना उल्टा। और तू अपने देख ले। मेरे बालक तो बहुत वो मारने वाले, इसे पिटवाई करूंगा अपने छोटे बालक को से। इससे तो बहुत लेट पैदा होंगे ना बेटा, जब मेरे बालक पैदा होंगे ना। हाँ क्या है? पता चला कि कहीं कोड़म ले जाके वाइपर से टूट रही है मोटे। जब मेरे बालक पैदा होंगे ना तो यो छितवानी है मेरे बालक को। क्या तो देना पानी दियो दियो मेरे बालक मारेंगे तेरे तुझे। तेरे बड़े हो जाएगी मम्मी भाई तो और मजा। यो कुटेगी उन्हें छो देखा ही भाग जा भाई ने उधर 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 गिर जाओ। नो एक सीढ़ी उतरे वैसे उतरे सीढ़ी उतरन दो भाई। मैं कपड़े पैक कर रहा हूँ अपने और फिर निकलना है अपने को मजदूरी करने। भाई हम एयरपोर्ट के लिए निकले तो एक चीज मिल गई हमको। दिखाइए भाई क्या दिखा निकला भाई? पूरा टाइम बढ़ गया वो ऐसा मत कर। वजीराबाद में एक ना मम्मी का फोन आ गया। एक मिनट का इस भाई अभी 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 जस्ट एक सेकंड पहले जाम लगा हुआ था। जाम तो अभी भी लगा हुआ है। किरदार पे शक हुआ इनको मेरे। ओ भाई एक तो इनको तो बोलना बंद कर दो ठीक है इसको लक्ष्य को। अभी कुछ बात चल रही थी तो मैं बता रहा था कि लक्ष्य इज अडॉप्टेड। अडॉप्टेड भी नहीं, इसको ना मांग के लाए थे एक्चुअली। ओ भाई किसी से कि आप दे दो हम पे नहीं है।
क्या प्रूफ है? प्रूफ है सारे बर्थ सर्टिफिकेट रहा, राशन कार्ड में फोटो रही, और वो तू नहीं है राशन कार्ड में फोटो। हॉस्पिटल की डायरी में राम है, रिकॉर्ड्स में। हॉस्पिटल की डायरी में तू सिर्फ भैंस की डायरी पे हो सकता है, कहीं डायरी में नहीं हो सकता। भैंस की डायरी खोल ले एक। भैंस की डायरी भाई हमारे तनेजा भाई साहब ने खोली। अच्छा इनिशिएटिव है भाई तनेजा। यस ब्रो, ये सारी चीजें तुम ना फ्री से जोड़ देते हो, बल्कि हमें पैसे देने चाहिए उनको, उनका काम और बढ़े। नहीं वो तो बिल्कुल क्या सर, भाई साहब इन्फ्लुएंसर है। स्टोरी डालने के आदत हो रही बार्टर में। हां ब्रो कि भैया आप हमें दूध दो, दूध दही की शक्ति दो आप हमें। ये देख लड़की का फोन आ गया। किसमें? एयरपोर्ट पहुंचने में 40 मिनट। शक कर रही होगी कटारिया है। हाँ शक कर रही होगी कटारिया। हाँ चलो जो भी भाई, बहुत जाम लगता है दिल्ली से गुड़गांव। भाई आपने ऐसा जाम देखा पहले कभी गुड़गांव से दिल्ली जाते हुए? मुंबई ठीक है, करा रहा हूं। अरे नहीं नहीं, मुंबई में तो जाम देखा ही होगा। इधर वो देखो प्लेन उड़ रही, देख ले ठीक है। भाई कह रहा यार कितना डेवलप्ड शहर है, सो मच डेवलपमेंट। खुलापन तो इधर बॉम्बे से है भाई। कौन सी गाड़ी है रे भाई? ये कौन सी गाड़ी है? जेनेसिस। क्या होता है ये? तो नई टाइप की गाड़ी आई है, हुंडई है। हुंडई पुंडे जो भी है पर सही है। तो कितने की आती है? 70-80 लाख की है भाई, तो महंगी है 70-80 की। तो फिर 70-80 में ले लूं जी फोर। मैं कह रहा हूँ 70-80 के हिसाब का इंटीरियर मटेरियल रहेगा इसका। ये साड़ी वो लग रही मुझे ओल्ड स्कूल। अरे तो ऐसे ही है, इतनी खास भी ना 70-80 के हिसाब। भाई बेंटली जैसी है, लोग कॉपी कर रहे हैं। बेंटली जैसी दिख रही है तो सामने से भाई, हुंडई की जेनेसिस तो नहीं है, बेंटली का कॉपी है वो। फिर ये इसमें कोई बैठा को अच्छा ना लगे, कोई देखेगा तेल भी खत्म हो रखा हमारे में।